वो हमारे साथ, कोई है नहीं है, अल्लाह तो है ना। मगर हम सच्चाई और अच्छाई की राह को अगर खोने लगते हैं या दूर होने लगते हैं या वो चीज हमसे छूटने लगती है, तो फिर अल्लाह की मदद और अल्लाह हमसे दूर होने लगता है। तो याद रखना बेटा, चाहे कितनी खताएं हो जाए, कोई खता अल्लाह से बढ़ के नहीं है। अल्लाह हर गुनाह को माफ कर सकता है, अल्लाह हर गुनाह को माफ कर सकते हैं, लेकिन चाहे कितने ही गुनाह हो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल अच्छा और सच्चा है तो अल्लाह जरूर तुम्हारे साथ है। और जब तक तुम तौबा कर रहे हो उस सूरत में कभी हलाक नहीं होगी। खता तो इंसान से होती है, लेकिन ये एहसास रखता है, तौबा कर माफी मांगता है, तो क्या करते हैं अल्लाह से माफ करता है, अल्लाह उसको हलाक नहीं होने देता। और अच्छाई सच्चाई की राह पर है, इसलिए अल्लाह हमेशा उसके साथ। तो किसी गुनाह की वजह से अल्लाह हट जाते ऐसा नहीं है, अच्छे और सच्चे बंदों को छोड़ देते ऐसा नहीं है। अच्छाई और सच्चाई और अच्छे और सच्चे दिल होने की वजह से, अच्छी और सच्चाई की राह पर गामजन रहने की वजह से, उस राह पर कायम रहने की वजह से अल्लाह तो साथ है। और अगर गुनाह है तो तौबा करते रहो, वो माफ करते रहे, है ना। और सच बोलूं तो जो अच्छाई और सच्चाई की राह पर होते हैं उनसे जल्दी गुनाह भी नहीं होता, क्योंकि वो अपनी नेकियों को भी गुनाह समझ के डरते हैं अल्लाह के साथ कि अल्लाह तेरे शाया में शान नहीं थी, ये क्या कम खता थी, जैसा करना चाहिए था आपके लिए वैसा नहीं कर सके, तो ये क्या कम खता थी। तो वो लोग इसी पर इतना डरते हैं, इसी पर अल्लाह के सामने इतना रोते हैं, तो वो लोग गलतियां क्या करेंगे, खताएं क्या करेंगे। तो बेटे याद रखना, कुछ बनना नहीं बनना, लेकिन एक अच्छा और सच्चा इंसान बनना, एक अच्छा और सच्चा दिल लेके जीना, ताकि हमेशा तुम्हारा रब तुम्हारे पास रहे, हमेशा तुम्हारा रब तुम्हारे साथ रहे।